की शुरुआत में सबसे पहले बात करें, आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त चाईबासा से आ रही है, जहां पर लॉकडाउन में भी नक्सलियों के हौसले बुलंद दिखते नजर आए हैं। शिक्षक के घर पर नक्सलियों ने हमला किया है। आपको बता दें, बम विस्फोट पर नक्सलियों ने उड़ाया है शिक्षक का घर। सोनुआ थाना क्षेत्र के जोड़ा पोखर गांव की घटना है। विस्फोट से घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया है। विस्फोट के बाद घर में सोए दो लोगों पर हमला किया गया है। एक गंभीर रूप से घायल है, उन्हें चाईबासा रेफर किया गया है। दूसरे युवक ने भागकर अपनी जान इस दौरान बचा ली है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। तो लॉकडाउन में भी नक्सलियों के हौसले बेहद बुलंद नजर आए हैं। एक बार फिर से नक्सलियों ने तांडव मचाया है। आपको बता दें कि शिक्षक के घर पर इस बार नक्सलियों ने हमला किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए संवाददाता जय, जय से बात करते हैं। जय, एक बार फिर से नक्सलियों का तांडव दिखने को मिला, वो भी लॉकडाउन के दौरान। शिक्षक के घर पर हमला किया गया है, क्या वहां पर अभी ताजा हालात हैं? दौरान जो है नक्सलियों के जो है हौसले वो बुलंद है। बीती रात की ये घटना है, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो है हथियारबंद नक्सली जो है एक शिक्षक की खोज में जो है वहां पहुंचे थे। जोड़ा पोखर गांव सोनवा थाना क्षेत्र का है ये, और वहां पे जो निजी स्कूल का जो एक शिक्षक है उसकी तलाश में ये थे, लेकिन उसके घर पर उन्होंने बम विस्फोट करके उसका घर उड़ा दिया। और उसके बाद जो दो लोग उस घर में जो है शिक्षक नहीं था, शिक्षक कहीं बाहर गया हुआ है, और जो दो लोग उस घर में सोए हुए थे उनको निशाना बनाया, लेकिन किसी तरीके से एक ने तो अब भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरे को जो है पिटाई करके उसकी हालत जो है गंभीर है, और फिलहाल उसे रेफर कर दिया गया है चाईबासा अस्पताल। जी अमिता, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जय। तो संवाददाता जय बता रहे थे कि एक बार फिर से नक्सलियों का तांडव चाईबासा में देखने को मिला है। नक्सलियों ने शिक्षक के घर को उड़ाया है। लॉकडाउन के दौरान भी इस बार नक्सलियों के हौसले बुलंद नजर आए हैं।